रेडियो बूज के प्यारे प्यारे श्रोताओं, मैं हूं डॉक्टर सविता स्याल और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दिलचस्प परिचर्चा लेके आई हूं। आज का जो विषय है वो आपसे, मुझसे, आपके दोस्तों से, आपके परिवार वालों से, सभी से संबंध रखता है। और आज इस परिचर्चा में मेरे साथ हैं मेरी मित्र, एक उम्दा साहित्यकारा, प्रीति मिश्रा जी। नमस्कार सविता जी, नमस्कार सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को, हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार जी। स्वागत प्रीति जी आपका इस परिचर्चा में। मित्रों, मनुष्य ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है जी, लेकिन उस वो सर्वश्रेष्ठ कृति क्यों माना जाता है, वो सबसे उम्दा रचना क्यों है भगवान की? इसलिए कि वो बुद्धिजीवी है, उसमें गुण भी है, अवगुण भी है, क्यों प्रीति? हाँ, बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात है प्रीति, हमें भगवान ने विवेक दिया है, अच्छा बुरा जानने की शक्ति दी है, और साथ साथ हमें अनेक गुण और अवगुण है। तो प्रीति, आज हम जिस गुण के विषय में बात कर रहे हैं वो है क्षमा, फॉरगिवनेस। बहुत खूबसूरत। तो प्रीति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या किसी को क्षमा करना, माफ कर देना इतना आसान है? क्या विचार है? सविता जी, आपने सबसे पहले तो आपको बधाई, जो आज आपने अपने श्रोताओं और दर्शकों के लिए इतना सुंदर शब्द चुना, धन्यवाद। और क्षमा जो है अपने आप में एक कोमल भावना है, और कोमल भावना के साथ ही ये विवेक का भी परिचायक है। क्षमा एक ऐसी चीज है कि जैसे ही किसी को दे दी जाती है अथवा क्षमा किसी से मांग ली जाती है, दोनों ही परिस्थितियों में वे व्यक्ति हल्के हो जाते हैं, रूही के समान। क्योंकि जिससे हमारा जो भी द्वेष या द्वंद चल रहा था, जिसकी हमें कोई बात बुरी लग रही थी, उसी वक्त खत्म हो जाती है। अगर कोई झुक जाता है हमारे आगे तो वैसे ही वो हमारा प्रिय हो जाता है, या हम किसी के आगे झुक जाते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं अपनी पुरानी बातों के लिए, तो हम जीवन फिर से एक नए ढंग से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही प्रीति जी। देखिए, मलाल रखना या किसी के लिए बदले की भावना रखना, वो कहीं ना कहीं आपको भी परेशान करता है। देखिए, आपका मन शांत नहीं रहता, आपके मन में बार बार और बुरे विचार आते हैं, आप उसका बुरा करना चाहते हैं। उसके साथ साथ कहते हैं कि यदि मन में बुरे विचार रखें तो कई रोग आपको घेर लेते हैं, अगर आप खुश रहें तो आप रोगों से बहुत दूर रहते हैं। तो यहाँ मुझे कहानी याद आ गई, एक लड़का अपने गुरुजी के पास जाया करता था, तो नदी में कई तरह के पत्थर थे, उन पत्थरों के ऊपर से कूद के फांद के जाता था जी। और जब एक दिन वो अपने गुरु के पास पहुंचा, कुछ देर पहले उसके एक मित्र ने उसका कोई नुकसान कर दिया था, उसकी कोई चीज ले ली थी बिना पूछे, और उसकी वजह से उसको परेशानी भी हो रही थी और बताया नहीं था, मतलब ये गलती थी एक मित्र की। तो वो गुरुजी को शिकायत लेकर गया, तो गुरुजी ने कहा, और बहुत गुस्से में था वो बच्चा, उसने कहा, गुरुजी अब देखना मैं इसको कैसे मजा चखाता हूँ, मैं कैसे बदला लेता हूँ, ये वो। गुरुजी शांत मन से मुस्कुराते, उन्होंने कहा, देखो तुम उससे बदला बाद में लेना अपने दोस्त से, अभी एक छोटा सा काम करते जाओ, आप तुमको रास्ते में जितने भी पत्थर मिले ना वो उठाते जाना, और जब घर आ जाए तो वहां अपने घर के बाहर छोड़ देना। वो गुरु की आज्ञा के अनुसार सारे पत्थर उठाता रहा, और जैसे जैसे पत्थर उठाता रहा उसे भारी लगने लगे, उसको परेशानी लगने लगी चलने में, और घर के बाहर जब उसने सारे पत्थर छोड़ दिए मित्र के घर के बाहर, तो वो बड़ा हल्का महसूस कर रहा, रिलैक्स जी। और उसने अगले दिन गुरुजी ने पूछा, तुम्हारा ये अनुभव कैसा रहा? कहता, गुरुजी जब मैं पत्थर उठा के जा रहा था तो मुझे बहुत भारी लग रहे थे, चलने में परेशानी हो रही थी, और लेकिन मैंने जैसे ही मित्र के घर के बाहर वो सारे पत्थर डाल दिए, उसको मारा नहीं मैंने, पत्थर डाल दिए मैंने, मैं बहुत हल्का हो गया। तो गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि उसके प्रति मन में द्वेष की भावना रखने की बजाय अगर आप तुम उसे माफ कर देते तो तुम भी हल्के हो जाते, और वो भी अपनी गलती का उसको एहसास होता, और वो मतलब खुश होता कि आपने उसको माफ कर दिया। बिल्कुल सही बात कही आपने सविता जी।
लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल उठता है जी, कि हम किस हद तक किसी को बर्दाश्त करें। एक लिमिट होती है ना माफ करने की, जैसे कि हम सब ने वो श्री कृष्ण और शिशुपाल वध की कहानी बिल्कुल सुनी बिल्कुल, बिल्कुल है ना, कि उन्होंने उसको 1000 बार माफ किया था जी, है ना, और कहा 1000 बार तक माफी दी थी और वो गालियां बराबर दे रहा था, जबकि उसको पता भी रहा होगा कि ये कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उसको इतने मौके दिए थे, किंतु उसके बाद उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला ही दिया। इसमें मैसेज है प्रीति कि इतने भी आप वो ना बने, इतने भी ज्यादा वो आप ना झुके कि कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है और आपका कुछ नहीं कर रहे, और आप भी कभी नुकसान में आ जाएंगे, आपकी हानि कर देगा, समाज की हानि कर देगा, समाज की हानि कर देगा। तो इसलिए आप देखें, अगर अनजाने में किसी से गलती हुई है, पहली बार गलती हुई है, आप माफ कर सकते हैं। अगर कोई जानबूझकर बार बार गलती कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और इसीलिए तो हमारे देश में या पूरी दुनिया भर में कानून भी बने हैं, क्योंकि 100 निर्दोष छूट जाए, है ना, 100 सॉरी बिल्कुल उल्टा कह रही हूँ सविता जी, 100 दोषी छूट जाए मगर एक निर्दोष को सजा ना हो, कानून में भी ऐसी व्यवस्था की गई है। इसीलिए इतनी बड़ी प्रक्रिया है कानून की, बहुत जल्दी फैसला नहीं लिया जाता, कई लोगों को झुंझलाहट होती है कि ये इतना लंबा समय क्यों लग रहा है फैसला मिलने में, लेकिन वो देखना चाहते हैं क्या क्या वास्तव में उसका दोष था, उसकी गलती थी, किसी निर्दोष को सजाना है। बहुत अच्छी बात आपने प्रीति बताई, ये बहुत बड़ी आपने एक उदाहरण दिया हमारी व्यवस्था से, बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात और हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि यदि आप में शक्ति है जी, तब आप माफ कर देते हैं, तो ये और भी बड़ी बात है। अगर किसी में शक्ति नहीं है बदला लेने की और वो माफ कर देता, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो ले ही नहीं सकता। हाँ, क्या कौन सी कविता थी जी, उसकी कविता थी ना कि गरल क्षमा शोभती उस गरल को जिसके पार, नहीं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पार गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनी सर हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा याद दिलाया, बहुत सुंदर ये कविता थी। और रामधारी सिंह दिनकर जी भी कहते हैं कि क्षमा वीरों को सुहाती है। बिल्कुल सर, अगर आप किसी को दंड दे सकते हैं लेकिन आप दंड नहीं देते, ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है। हाँ, वीर अगर दुश्मन को माफ कर दे वो गलत बात है, जो देश आपके देश का नुकसान कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे कि सबको क्षमा कर देना चाहिए। परिस्थिति और व्यक्ति को देखना चाहिए कि क्या परिस्थिति है, क्या व्यक्ति है और क्या सिचुएशन है उसको। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा कोई फैसला ले लें मैं सबको माफ कर दूंगा, इट इज सिचुएशनल। और मेरे ख्याल से जहां तक आपने ये टॉपिक रखा है, आप कहीं ना कहीं घर परिवार से जोड़ के इस बात को कहना चाहते हैं कि घर में बड़ी आवश्यकता होती है एक दूसरे को क्षमा कर देने की। जी, रहीमदास जी ने बहुत अच्छा इस बारे में कहा है कि हमेशा बड़ों को छोटों को माफ कर देना चाहिए। हाँ। क्योंकि छोटे गलतियां करते हैं, देखिए आपके अपने गलतियां करते हैं, तो आपको इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि आप उनको माफ कर दें। माता पिता तो बच्चों को माफ करते ही है। हाँ। यदि सगे संबंधियों में भी आप देवरानी जेठानी है, सास बहू है और बहुत सारे हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप उस चीज को एक बार सोचकर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, गुस्से में कह दिया या कुछ भी सोचकर अगर आप माफ कर देते हैं, तो आपके रिश्ते बने रहेंगे। हाँ, आपके बहुत लोगों से अच्छे रिश्ते होंगे। हाँ, और कई बार छोटी छोटी बातों पे लोग मुंह फुला के सारी जिंदगी भर के लिए रिश्ते तोड़ लेते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, और तो ये बहुत गलत बात है। नहीं, इसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति जिसने की क्षमा नहीं किया है वो भी बड़ा बेचैन और हाँफता रहता है, उसकी भी नींदें उड़ जाती हैं, क्योंकि वो अपना किसी को, कभी अपना भाई खो रहा है, कभी अपने प्रिय साथी को खो रहा है, तो पेनफुल होती है वो जर्नी, ज्यादा पेनफुल है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। लेकिन हाँ, ये बात हर जगह नहीं लागू होती। अब जैसे अभी अब रामायण में देखिए, राम ने आखिरकार बाली को मार ही दिया था ना, जबकि राम से बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम या क्षमाशील व्यक्ति नहीं था,
नहीं, रावण ने गलत किया था, उन्होंने रावण को सजा दी, रावण को भी सजा दी उन्होंने, और उसी का भाई विभीषण था वो सही उस पे था, तो उसको उसको राज्य भी दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही बात है, क्या परिस्थिति है, रावण ने धोखा दिया। हाँ, और गलती भी कोई मामूली नहीं, बिल्कुल, और वो मामूली गलती नहीं थी, और दुनिया को बिल्कुल, है ना। हाँ, मतलब उनको राम जो थे एक बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन मर्यादा की भी एक मर्यादा होती है, बिल्कुल सही। तो उन्होंने जहाँ देखा कि अब मर्यादा से ये परे है मेरी बात, ये दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि बुरे बुरा अगर आपने किया है तो आपको फल भुगतना पड़ेगा, और यहीं पे यहीं पर और यहीं पर भुगतना ना, सही कह रही हो, यही बात है। देखिए ना, अपने बच्चों को कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियों पर भी माता पिता फिर बाद में गले लगा लेते हैं। हाँ। क्योंकि उसमें क्या होता है कि माता पिता के मन में भी मलाल रहता कि हमने बच्चे को माफ नहीं किया। और मैं कहती हूँ जीवन अनिश्चित है, जीवन छोटा है, तो इसमें एक ही लड़ाई को, एक ही छोटी सी बात को लेके आप लंबा सालों साल खींचते रहें, ये भी मुझे लगता है उचित नहीं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। अगर कोई बहुत गलत बात की है, आप उसको बताएं कि आपकी गलती है और आगे से बर्दाश्त नहीं किया जाए। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है कि उसको पनिशमेंट देने की जगह उसको आगाह किया जाए, क्योंकि आगाह करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आप ही की बात पे मुझे एक बात याद आ गई कि एक जेल में किस कोई चोर था या कुछ था, तो उससे उसको सजा मिलने वाली थी, शायद उसने बड़े कत्ल भी किए थे, तो उससे कहा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने बोला था कि अब मेरी माँ से मुझे मिला दिया जाए। जी जी, है ना, मैंने भी पढ़ी है ये, बड़ी सभी ने पढ़ी होगी ये बड़ी। तो जब उसकी मम्मी आती है तो उनका कान काट लेता है और कहता है कि इसी कानों से जब लोग मेरी शिकायत कर रहे थे तब तुमने मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं सजा दी, और बिल्कुल समय से सजा अगर दे देती, उसकी गलती का एहसास करवा देती, तो शायद वो इतना बड़ा चोर नहीं बनता, है ना। तो क्षमा जो है हर जगह पर इसका अलग अलग रोल है, है ना। इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए अपने बच्चों के प्रति भी या किसी में, कि कोई तुम्हारे सर पे ही चढ़ जाए, क्या कहती हैं सविता जी। बिल्कुल बिल्कुल, और गांधी जी ने जब ये कहा कि कोई एक चांटा मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर लो, तो बहुत से लोग उनसे सहमत नहीं थे, बिल्कुल, क्योंकि वो हिंसा से आजादी नहीं चाहते थे। देखिए आप स्वतंत्रता संग्राम अगर याद हो तो एक नरम ग्रुप था और एक गरम ग्रुप था, तो चंद्रशेखर आजाद वगैरह का यही था कहना कि भाई आप अगर उन्होंने मारे हैं हमारे हिंदुस्तानी तो अब अंग्रेजों को मारिए। जनरल डायर को मारा जाके, और उन्हें कहा वो धोखे से मारा, उन्होंने जलियांवाला बाग कांड कितना इतिहास का भयानक, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। और मुझे क्या लगता है काले पन्नों में ये घटना लिखी जाएगी, तो लेकिन उसके लिए उसने माफ नहीं किया उसने, और ये अंग्रेजों को सबक दिखाया कि हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी भी ठीक थे कि बहुत अधिक खून खराबा अगर उन्हें अपनी बात समझाई जा सकती है, हाँ, तो जहाँ समझाई जा सकती है वहाँ समझाई जाए। एक ना मैंने बड़ी अच्छी बात इसी बारे में पढ़ी, शायद ओशो ने लिखा है या किसने कहा है, वो कहते हैं कि गांधी और कृष्ण में क्या फर्क है। गांधी और कृष्ण में ये फर्क है कि गांधी जी का पाला उतने बदमाश लोगों से नहीं पड़ा था इतना कि कृष्ण भगवान का पड़ा और महाभारत हो गई। तो हर व्यक्ति के अपने विचार हैं, इसलिए वो अहिंसा पे थोड़ा चल रहे थे, उनका काम चल सकता था बातचीत करने में, क्योंकि ये ज्यादातर जो उनके ऑपोजिशन में अंग्रेज थे ये पढ़े लिखे लोग थे। जलियांवाला बाग और ये वाली घटनाएं एक ही तो हुई है जो ऐसी दुखद है, वरना तो वो व्यापारी थे, उनकी लड़ाई व्यापारियों से थी, बिल्कुल। और महाभारत में तो सीधे वो तो सब कुछ नाश करने पर तुले थे, गलत तरीके अपना रहे थे, आपकी जुए में पतली हारने और छल कपट से वो राज्य लेना चाहते हैं। तो वहाँ सबक सिखाया, वहाँ क्षमा नहीं कर सकते, वहाँ संभव नहीं था, संभव नहीं था। तो देश काल के अनुसार भी क्षमा की परिभाषा बदलती रहती है। प्रीति अब एक उस बात में आए जो इससे भी मुश्किल है, क्षमा मांगना किसी से। देखिए उसमें आपका अहम कई बार आड़े आता है कि मैं ये तो मेरे से छोटा है या मेरे से स्टेटस में बहुत छोटा है,
मैं इससे माफी मांगू और सबसे कहां मैं कहां ये नहीं बिल्कुल सही। और सबसे पहली बात ये होती है कि हम अपने आप को गलत मानते ही नहीं है, हमें लगता है कि उसने ऐसा किया था उसके बदले में मैंने ऐसा किया, बिल्कुल वो तो मुझे बड़े दिनों से सता रहा था, मुझे एक बार मौका मिला। तो जो हमारा मन है वो बड़ा हमें पीछे से धक्के मारता रहता है, पुश करता है, क्षमा मत मांगो, है ना, बिल्कुल उसको पीछे बिठाकर बिल्कुल और अपने विवेक को आगे लाकर तब क्षमा मांगी जाती है। बहुत सुंदर बात कही प्रीति आपने कि अपने अहम को पीछे धकेलना पड़ता है जी। और आप क्षमा मांग कर तो देखिए आपको भी जो अपराध बोध और वो जो गिल्ट है वो आपको बहुत ही आप हल्के हो जाएंगे, उस गिल्ट से पीछे हट जाएंगे, बिल्कुल उस गिल्ट से उभर जाएंगे। तो मैं कह रही हूँ क्षमा मांगना भी सीखिए, अगर आप क्षमा करना सीखिए। आज की सुंदर चर्चा जी जी नहीं सविता जी, मैंने आपसे दो बातें सीखी जी, पहली क्षमा मांगो, दूसरा क्षमा कर दो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ना प्रीति, हमारे श्रोता अभी हमें क्षमा कर देंगे जो भी इस परिचर्चा में गलती हुई है, मुझे पता है हमारे श्रोता बहुत बड़ा दिल और वो इससे ज्यादा हमें खेल भी नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं श्रोताओं, सविता जी और प्रीति हम दोनों आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही टॉपिक्स लाती रहिए सविता जी। जी नमस्कार श्रोता, और मैं अब मेंटल हेल्थ पे ही बात किया करूंगी और मैं अगली बार आपसे मुखातिब होंगी एक और नए कार्यक्रम में, बहुत अच्छा, धन्यवाद।